अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. ओके गाइस, तो हम लोगों ने यूवीआईटिस स्टार्ट किया था, आई मीन यूवियल ट्रैक स्टार्ट किया था आई में, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे बकायदा तौर पे यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन. मैंने आपको पिछले वीडियो में एनाटॉमी सारी बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. अब हम उसकी ज़रा इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं. तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास यूवीआईटिस इज सिंपली इन्फ्लेमेशन इन द यूवियल ट्रैक, जो कि आपके आयरस में हो सकती है, उसके बाद आपकी सिलरी बॉडी में हो सकती है. सिलरी बॉडी में आपका पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लेना दोनों पार्ट्स आ जाते हैं. और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ रही थी, कोरोइड आ रहा था. और एंड में आपके पास जाहिर है कोरोइड के साथ ही जो पड़ा हुआ मतलब आगे पूरा आपका स्ट्रक्चर है वो विट्रस ह्यूमर है, जैसे हमने आई में देखा भी था कि ये अगर आए है आपके तो यहाँ पर आपका कोरोइड होता है. कोरोइड के आगे रेटना है और रेटना के आगे यहाँ पर विट्रस है. ठीक है, तो बेसिकली यूवियल ट्रैक में तो ये तीन हमारे स्ट्रक्चर्स थे, आयरिस, सिलरी बॉडी और कोरोइड. और आगे जो सात एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं डेफिनेटली आपकी इन्फ्लेमेशन उन तक जा सकती है. तो यूवीआईटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक. उसके बाद हमारे पास है यूवीआईटिस की पहले क्लासिफिकेशन. ये आपका ऐसे क्यों आता होता है, इस वजह से आपको क्लासिफिकेशन एज फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए. बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, आपसे वाइवा में भी पूछते हैं और आपका ऐसे क्यों बाकायदा आता है कि क्लासीफाई यूवीआईटिस. पांच नंबर आपके मुफ्त के मिलते हैं इसमें, तो मतलब मैं कहूँगी चार नंबर का होता है, पांच का मुफ्त के नंबर होते हैं. आपने सिर्फ ये लिखना है कि इसकी तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन के यूवीआईटिस कौन से पोर्शन को इन्वॉल्व कर रही है. ठीक है, पूरे यूवियल ट्रैक में से जो पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की हुई है. क्लिनिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ यूवीआईटिस, कितने अरसे रहता है, दो महीने, चार महीने, दो हफ्ते, छः हफ्ते, वॉट एवर, वो आपका क्लिनिकल में आता है. और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये डिपेंड करती है कि आपका जो यूवीआईटिस के रिजल्ट में आपकी आंख में जो डैमेज हो रहा है वो किस किस्म का है. कहीं पर कभी ऐसा डैमेज होता है, पॉजिटिव चीज़ ऐसी होती है कि ग्रैनुलोमास बनते हैं, जैसे टीबी में, सिफिलिस में आपके ग्रैनुलोमास बनने लग जाते हैं. कुछ होते हैं जो नॉन ग्रैनुलोमेटस होते हैं, तो ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं. अब इससे पहले जो हमने डिटेल में करनी है ना, जो क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल है वो इसके अंडर ही आ जाएंगे एनाटॉमिकल के अंडर. एनाटॉमिकल को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, इंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर. इंटीरियर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एक्यूट इंटीरियर डिस्कस करेंगे और क्रॉनिक इंटीरियर डिस्कस करेंगे, और इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर एज सच ही करना है. ठीक है, अच्छा, अब आपने ये बात पक्की पक्की हमेशा याद रखनी है कि हम इंटीरियर को कब इंटीरियर कहते हैं. दो चीजें आपके इंटीरियर में इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, ये आपने सारी जिंदगी के लिए याद रखना है. सबसे आगे अब इंटीरियर है ना, तो आगे वाले स्ट्रक्चर्स होंगे. सबसे आगे क्या था, आयरिस है. आयरिस के बाद हमारे पास सिलरी बॉडी. सिलरी बॉडी का भी जो आगे स्ट्रक्चर था वो पार्स प्लाइकेटा है, पीछे पार्स प्लेना है, और उसके बाद कोरोइड स्टार्ट हो जाता है. ऐसे ही पढ़ाया था ना मैंने आपको पिछले वीडियो में. तो आपके पास जो इंटीरियर वाला होगा उसमें इन्वॉल्व होता है आयरिस एंड पार्स प्लाइकेटा, यानी कि जो आगे वाले मोस्ट इंटीरियर दो स्ट्रक्चर्स हैं, आयरिस और विट्रस का, सॉरी, कोर सिलरी बॉडी का जो अगला वाला स्ट्रक्चर यानी पार्स प्लाइकेटा, ये इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स आयरिस और पार्स प्लाइकेटा. जब इंटरमीडिएट यूवीआईटिस हम तब कहते हैं जब हमारे पास जो सिलरी बॉडी का इससे पीछे वाला एरिया है पार्स प्लेना, ये इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ ये इन्वॉल्व करते हैं आपके विट्रस को. ठीक है, पार्स प्लेना एंड विट्रियस, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट यूवीआईटिस. ये बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, बुक में उन्होंने मतलब आपकी जो ये वाली बुक है अपनी जो नॉर्मली पढ़ते हैं ज्यादातर जितोई और जोगी, उसमें इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि पार्स प्लेनाइटिस हो सकते हैं, हाइलाइटिस हो सकते हैं. आपने वो भी याद रखे हैं बेशक, लेकिन इस तरह आपके लिए बहुत आसानी है. ठीक है, इंटीरियर में आयरिस एंड पार्स प्लेगेटा, इंटरमीडिएट में पार्स प्लेना यानी पिछला पार्ट ऑफ सिलरी बॉडी एंड विट्रियस, और पोस्टीरियर हम तब कहेंगे जब आपका कोरोइड इन्वॉल्व होगा, जाहिर है जो मोस्ट पीछे है, और उसके साथ आपका रेटिना इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर. ठीक है, रेटिना इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूवीआईटिस, लेकिन क्योंकि कोरोइड के साथ अटैच होता है इस वजह से ये इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व हो जाता है. ये आपने पक्का पक्का याद रखना है, ये आपसे वाइवा के सवाल है. ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल इंटरनल वाइवास होते हैं उनमें ये पूछते हैं. ओके जी, अब हम इसमें से अब देख लेते हैं जरा बाकी. तो मैंने आपको बता दी कि एक्यूट वो वाला होता है जिसका आपको जो कोर्स है वो तीन महीने से कम होता है, वो एक्यूट है. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि तीन महीने का टाइम है एक्यूट और क्रॉनिक के दरमियान जो आपका डिफरेंस है, तीन महीने से कम इज एक्यूट एंड मोर इज क्रॉनिक. ठीक है, जो चीज़ आपका बच्चा बंदा कहता है कि चार महीने से मेरी आंख लाल है, आंख में दर्द है, नजर कम आता है और बाकी सारे जो भी सिम्टम्स अभी हम पढ़ेंगे, तो वो आपका क्रॉनिक हो जाएगा. रिकरेंट हम तब कहते हैं जब आपका एक साल में चार या उससे ज्यादा, कुछ लोग तीन या उससे ज्यादा कहते हैं, कुछ चार या उससे ज्यादा एपिसोड्स हुए हुए हो आपके यूवीआईटिस के, और वो एपिसोड्स इस तरह हो कि एक दफा यूवीआईटिस हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया फिर दोबारा हो गया, तो एक साल में तीन या उससे ज्यादा एपिसोड्स ऑफ यूवीआईटिस इज रिकरेंट यूवीआईटिस. ठीक है, तो ये भी आपसे क्योंकि पूछी जाती है तो बातें. एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस तो अगर आपको ना आए ना, तो मेरे ख्याल वाइवा में पास होना भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो आपको आना चाहिए. देन इज योर हिस्टोलॉजिकली मैंने बता देते हैं कुछ डिजीजेज ग्रैनुलोमा बनाने वाली होती हैं. ग्रैनुलोमा क्या होते हैं, ये आपने अपनी पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जिसके सेंटर में नेक्रोटिक डेब्रिस होते हैं, केजीएस नेक्रोसिस होते हैं मोस्ट कॉमनली, उसके साइड पे एपिथेलॉइड सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, जाइंट सेल्स होते हैं,
और बाद में एक लेयर ऑफ और सेल्स बनी हुई होती है फिब्रिनस एक्सुडेट, तो ये सारा आपका एक पूरा मिल मिला के ग्रेनुलोमा बनता है। ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, ग्रेनुलोमा बनाता है। सिफिलिस में ग्रेनुलोमा बनता है। कुछ नॉन ग्रेनुलोमेटस भी होती है, तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। कॉजेज के हिसाब से अगर हम देखें जनरली यूवेटिस को, तो आपकी जाहिर सी बात है कि या तो इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई और कॉज होगा। इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन भी तो उतना से हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंडोजिनस इन्फेक्शन। मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो ब्लड में है और ब्लड के जरिए वो आंख में भी आ गए। और दूसरा होता है जो आपका बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सोजेनस इन्फेक्शन। हमेशा से हम ऐसे ही कहते हैं। अब एक्सोजेनस इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? आपका बाहर से सबसे पहली चीज क्या हो सकती है? ट्रॉमा। ट्रॉमा टू द आई होगा, कोई परफोरेटिंग इंजरी, किसी ने आंख में कुछ मार दिया, कोई कंपस कुछ लग गया, कोई नोकी नोकीली चीज लगी जिसने आंख के अंदर तक डैमेज कर दिया, उससे आपका कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये तो ट्रॉमा। दूसरा आपका अल्सर था, आपकी आंख में कॉर्निया में अल्सर बना हुआ था और वो अल्सर परफोरेट कर गया। हमने क्या कहा था, अल्सर जब परफोरेट कर जाते हैं तो वो इंटीरियर चैम्बर से पीछे तक चला जाता है, तो उसमें आपका इन्फेक्शन हो सकता है। और यस, तीसरी जो आपका एक्सोजेनस इन्फेक्शन होता है वो सर्जरीज के बाद होता है। कैटरेक्ट की सर्जरी, ग्लोकोमा की सर्जरी कॉमन सर्जरीज हैं, इनके बाद आपका अक्सर अक्सर तो नहीं लेकिन इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन कि आपका यूवेइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए बाहर से आने वाले इन्फेक्शन। एंडोजेनस इन्फेक्शन की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है, टीबी सिफिलिस वगैरह का, फंगल इन्फेक्शन होगा, कैंडिडा का होगा, इसी तरह कोई आपका टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह का इन्फेक्शन होता है, तो ये सारे आपके ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हैं जो आके आंख में इफेक्ट कर सकते हैं। इनको ऐसे कोई पूछता नहीं है, क्लासिफिकेशन पूछते होते हैं, कॉजेज अलग से कभी भी नहीं आए। लेकिन नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में अब कुछ कॉजेज होते हैं कि सेकेंडरी में यही है कि जैसे कॉर्नियल अल्सर इज द प्राइमरी कॉज, लेकिन उसका असर अंदर तक आ गया, कैटरेक्ट की सर्जरी इज द प्राइमरी कॉज और उसकी वजह से हमारे पास हो गया, तो वो सेकेंडरी कॉजेज होंगे। फिर आपकी कुछ ऐसी डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिजीजेज, जिसमें आपकी आंख की जो अपने ही सेल्स है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज एक्ट कर रही होती हैं, जिसमें आपका फेको एंटीजेनिक यूवेइटिस है। जिस तरह उसमें क्या होता है आपका कि कैटरेक्ट की सर्जरी के दौरान भी हो सकते हैं, वैसे भी अगर लेंस के जो मटेरियल है वो सारा बाहर निकल आए ना, तो लेंस के जितने भी अंदर मटेरियल है वो सारा का सारा बॉडी के लिए एक एंटीजन है, क्योंकि वो अंदर लेंस के जब पड़ा हुआ होगा तो वो बॉडी को एक्सपोज नहीं होता, जब वो बाहर आ जाते तो बॉडी इसे एक्सपोज होता है, तो वो हमारे लिए एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं, तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होता है इस जगह पर ही इंटीरियर चैम्बर में ही, तो जाहिर है आपका आयरिस को भी इफेक्ट करते हैं, सेलरी बॉडी को भी करते हैं और यूवेइटिस हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसमें आपकी फिर कुछ, ये तो ऑटो इम्यून वो डिजीज है जो डायरेक्ट सिर्फ आंख में इफेक्ट कर रही है, मतलब जो मैंने आपको बताया ना फेको एंटीजेनिक यूवेइटिस। इसके अलावा आपके ऑटो इम्यून जो बाकी डिजीज होती है जिसमें आपकी आर्थराइटिस है, जुवेनाइल आर्थराइटिस में आ जाता है, सार्कोइडोसिस है, ये सारी वो ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसमें आंख भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और कभी कभार आपका यूवेइटिस इडियोपैथिक होता है, हमें कोई कॉज नहीं समझ में आ रही होती फिर भी यूवेइटिस हो जाता है। कॉजेज पे इतना ज़्यादा वो लाइक वाइवा में बहुत हो तो पूछने ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस। ठीक है, नाम से पता चले एक्यूट का मतलब है कि 3 महीने से कम का कोर्स है। इंटीरियर का मतलब है कि इन्वॉल्व कौन सी 2 चीज़ें होंगी, मैंने भी आपको बताया था, आयरिस एंड पार्स प्लेकेटा। ठीक है, आपका आयरिस यानी एंटीरियर पोर्शन और पार्स प्लेकेटा यानी सेलरी बॉडी का अगला पोर्शन इन्वॉल्व होगा, और जब इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस हो जाता है। अब एक बात आप याद रखना कि हमारे पास ना इसका सिनेरियो आता होता है, हमारे पास इस पूरे यूवेइटिस में इसके चैप्टर में से ना 2-3 ही चीज़ें जो एसीक्यू में आती है, क्लासिफिकेशन आती है, एक ही एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस आता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमारे पास एंडोफ्थेल्माइटिस और पैन ऑफ्थेल्माइटिस है, ये वो चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं बार बार। ठीक है, इनका सिनेरियो टिपिकल होते हैं तो आपने याद रखने हैं। एक्यूट इंटीरियर यूवेइटिस में आपके पास कहेंगे कि पेशेंट आया है, एक वो कहता है कि कंप्लेन कर रहा है कि मेरी आंख में सपोज 3 हफ्ते से दर्द भी है और नज़र भी कम आ रहा है, एक आंख में राइट आई का कह रहा है, राइट आई में दर्द है, नज़र कम आ रहा है, रेडनेस है और रोशनी चुभती है। आपने एग्जामिन किया तो आपको नज़र आया कि ज़्यादातर कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे से जो आयरिस है वो मडी हुआ हुआ है, मतलब उसकी अपीयरेंस थोड़ी ख़राब हुई भी है, इंटीरियर चैम्बर में आपको कुछ सेल्स मिले हैं और पीछे से जो उसका रेटिना है वो सारा क्लियर है। तो आपको ना ऐसे नॉन स्पेसिफिक सी बात लगती है, मतलब उन्हें बहुत क्लियर नहीं किया, लेकिन जब उन्हें कह रहे ना कि इंटीरियर चैम्बर में सेल्स है और आयरिस मडी है और उसके साथ पेशेंट सिर्फ इतना कह रहे कि उसकी आंख में लाल है, उसकी आंख रेडनेस है और दर्द है और नज़र कम आता है, तो ये चीज़ आपकी जो ये सिनेरियो टिपिकल है कि उसे एक्यूट इंटीरियर यूवेइटिस हुआ। एक्यूट इसलिए क्योंकि उसने 3 हफ्ते का कहा है। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ समझ आते थे कि एक्यूट इंटीरियर यूवेइटिस, और फिर वो पूछते हैं कि आप इसकी मैनेजमेंट बताइए, तो वो हमने फिर बतानी होती है। तो ये सिंपल सी बात है। कॉज की बात करें तो मोस्ट कॉमनली आपका ये जो यूवेइटिस है ये इडियोपैथिक है, क्योंकि हमें 90% केसेज में कोई कॉज इसका नज़र नहीं आ रहा होता, ना कोई इन्फेक्शियस और ना ही नॉन इन्फेक्शियस कॉज होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास
अब अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें ना, तो सिलसिला कुछ यूं चलता है कि हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन होगी है आयरिस और पार्स प्लेकेटा ऑफ सिलरी बॉडी की। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है लेंस, ठीक है, और लेंस जुड़ा हुआ है हमारी सिलरी बॉडी से। हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि सिलरी बॉडी के पार्स प्लेकेटा में सिलरी मसल होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, जो कि कंट्रोल करता है लेंस की एकोमोडेशन को, मतलब उसको मोटा या पतला करने को। यहाँ पर पड़ा हुआ है ये आपका आयरिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब हमारे पास इन दोनों को किसी भी वजह से कोई चीज़ आई, कोई इन्फेक्शन हुआ जिसने इन्फ्लेमेशन कर दी इन दोनों की, तो सबसे पहले क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सिलरी बॉडी है उसका हो जाएगा स्पैज्म। जब स्पैज्म हो जाता है तो वो अपना फंक्शन छोड़ देती है, सिलरी मसल अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। जब फंक्शन नहीं करेंगे सिलरी मसल तो लेंस एकोमोडेट नहीं करेगा। जब लेंस मोटा और पतला नहीं होगा जरूरत के मुताबिक, तो पेशेंट को वक्त के हिसाब से सही नज़र नहीं आएगा। अब ज़ाहिर है पेशेंट ने एकदम से करीब देखा, उसने बुक पढ़ना चाही, तो उसकी आंख तो एकोमोडेट ही नहीं कर रही, तो उससे उसे वो कहेगा कि ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, मुझे सही नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़, पहली बात ये होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होती है कि वेसल्स डायलेट करती हैं। जब यहाँ पर की वेसल्स डायलेट करेंगी तो यहाँ पर सबसे पहले वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट होगी, और वो वेसल्स आपको रेडनेस कर देंगी आंख की भी, क्योंकि वो आपको स्क्लेरा के ऊपर, कंजक्टाइवा के ऊपर नजर आने लग जाएंगी, सारी एरिया में वेसल्स इंगॉर्ज हो जाएंगी। तो वेस्कुलर डायलेटेशन हुई, उसके साथ क्या हुआ, तो होता है इन्फ्लेमेशन होती है तो उस जगह पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्जुडेट आ जाता है, तो आपके पास बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, हाइपोसाइटोकाइंस और आपकी इम्यूनिटी के सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, वो सब आ जाएंगे। वो सब आएंगे तो यहाँ कितनी सी जगह, वो बेचारे सारे के सारे आके इंटीरियर चैम्बर में घुस जाएंगे। तो वो इंटीरियर चैम्बर में घुस जाते हैं, तो इंटीरियर चैम्बर में इंटीरियर ये जो एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, मतलब आपको जब एग्जामिन करते हैं तो आपको मिलता है एसी इज फुल ऑफ सेल्स, ठीक है, ये आपके सिनेरियो में लिखा होता है। तो आपको पहली बात इंटीरियर चैम्बर में जो सेल्स आएंगे वो पेशेंट की विजन को मजीद ब्लर कर देते हैं, और उसके साथ क्या होता है कि ये सारे सेल्स इंटीरियर चैम्बर में प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका आयरिस जो है वो बिल्कुल जुड़ जाता है इसके साथ, जो वॉल है पीछे उसके साथ, और आपका जो यहाँ पर एंगल है आप जिससे ड्रेन होना होता है हमारे एक्वस ह्यूमर ने, वो ब्लॉक हो जाता है। जब यहाँ पर एंगल ब्लॉक हो जाएगा, जो हम कहते थे रेडोकॉर्नियल एंगल, जहाँ पर से ड्रेन होना है एक्वस ह्यूमर, जब वो ब्लॉक हो जाता है तो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होता और पेशेंट को हो जाता है ग्लॉकोमा। तो उसको ग्लॉकोमा के फीचर्स आने लग जाते हैं, यानी कि उसकी विजुअल फील्ड मजीद खराब हो जाती है, उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारा का सारा सिलसिला जो चलता है आपके एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस में। बाकी बातें अगले बार में कहते हैं, पता किसी को मसला हो कि ना। थैंक यू।